80/20 रूल में आपकी एक्टिविटीज का 20% और 80% उनसे मिलने वाले परिणामों के लिए होता है। जब आपकी सभी गतिविधियां एक जैसा टाइम लेती है तब उसमें भी यही परसेंटेज होता है। बिजनेस में यह माना जाता है कि आपके 20% कस्टमर्स ही आपके सेल को 80% बनाते हैं। यह नियम आपके रोजमर्रा के कामों के सहित हर चीज पर लागू हो सकता है। अगर आपके पास 10 अलग अलग कामों की लिस्ट है तो उनमें से हर एक काम एक जैसा समय लेते हैं, लेकिन उनमें से हर एक काम आपको कभी भी एक जैसी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे। उनमें से एक या दो ही काम निश्चित रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और दूसरों की तुलना में ज्यादा वैल्यू भी देंगे। और स्पष्ट रूप से ये ऐसे काम है जिन्हें आपको पहले करने की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट काम को अपनी लिस्ट में प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करें, क्योंकि उस एक काम को पूरा करने से अगर आपने दूसरे 8 या 9 कामों में हर एक काम को किया होगा तो भी आप एक काम में सबसे ज्यादा हासिल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल काम जो आप हर रोज कर सकते हैं वो अक्सर सबसे मुश्किल और सबसे पेचीदा होते हैं, लेकिन इन कामों को स्मार्टली पूरा करने से उनकी वैल्यू भी आपको अच्छी मिल सकती है। इस कारण से आपको अपनी बात पर डटे रहकर दूसरे अनइम्पोर्टेंट 80% कामों को नहीं करना चाहिए जब आपके पास वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट 20% काम होने बाकी हो। किसी भी काम या एक्टिविटी को करने से पहले उस काम के जो वाकई वास्तविक हो सकते हैं ऐसे रिजल्ट्स पर विचार करें। यह आपको ऐसे कामों को निर्धारित करने में मदद करेगा जिसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होगा। जो कोई भी अपने जीवन के बारे में लंबे समय का पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वह अपना समय कैसे और किन कामों में बिताना चाहिए इस बारे में काफी बेहतर निर्णय लेने के लिए हमेशा सक्षम होता है। जो लोग अपने जीवन और करियर के बारे में छोटा या कम सोचते हैं वो सबसे अच्छा निर्णय कभी नहीं ले सकते। अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो अब से आने वाले सालों में आपको ऑप्शन चुनने और उन तरीकों से काम करने की जरूरत है जो यह तय करेंगे कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे। ऐसा करना आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके काम के आउटपुट में बहुत ही बेहतर इंक्रीमेंट करेगा। 80% of the results come from the 20% of the causes because a few things are important, most are not.